बार चल दुनिया नहीं है बबल। तुम लोग सारे मेरी गल कान खोल के सुनो। हाय कोची बाजी, दो दिन से ना मेरे कान बंद है, तो कोई निकल मैं पेट्रोल डाल के खोल लूं। पेट्रोल नहीं, तेल मोमो, वो भी सरसों का। हाँ हाँ, तेल में तो मैं मगरमच्छ तलूंगी कल। मगरमच्छ नहीं, मछली माँ जी। ओए बस करो है, तुम लोग मेरी गल कान खोल के सुनो। कल पहला रोजा है, आज हम पहली सहरी करेंगे। मैं समझ गया, जोजी बाजी पहली सहरी हमें अपने हाँ करवाना चाह रही है, हमें मंजूर है। लेकिन हमें बिल्कुल मंजूर नहीं इतने लोगों की सहरी बनाना। भाई मैं आप लोगों से तय करना चाह रही थी बावर्ची खाने की टाइमिंग। ठीक है, तुम लोग पहले उठोगे, पहले सहरी बनाओगे, और हम लोग बिल्कुल अद्धा को घंटा पहले उठ के बनाएंगे, क्योंकि हम तो दो लोग हैं, हम तो बिल्कुल अद्धे घंटे में सहरी बना लेंगे। तुम चार बंदे हो, तुम लोग दो घंटे पहले उठना। चुप, हम क्यों उठेंगे दो घंटे पहले? क्योंकि तुम लोग हो भी तो इतने बड़े, हम तो दो लोग हैं, हमें कौन सा टाइम लगना है। ओ जानू, तुम पहले उठ जाना यार, दो तीन सालन बना लेना पराठों के साथ। तुम्हें पता मैं जरा सहरी में एहतमाम चाहता हूँ। और मोमो, मेरी नमकीन लस्सी बनाना ना भूलना, और पराठे जो है ना जरा मोटे मोटे मदरे मदरे बनाना। पता है मैंने रात भी ना बहुत कम खाना खाया। आपने निहारी चार नान के साथ खाई है महमूद साहब। अरे वो तो कब के हजम हो गए भाई। अरे जोजी बेगम हमसे नहीं पूछेंगी, हम सहरी में क्या तनावल करेंगे? जो भी खाना है ना आप पे ही बना लेना, और मुझे टाइम पे उठा देना, क्योंकि मुझे सुकून से सहरी करने की आदत है। बहुत लेट हो गया, हमें सोना चाहिए वरना सहरी पे आंख नहीं खुले। चलो, तो वैसे भी सोते सोते दो घंटे लगा देते हैं। चलो आइए, तशरीफ लाइए। अरे मोमो सो जाओ वरना सहरी में आंख नहीं खुलेगी। कोई बात नहीं, मैं आंखें बंद करके खा लूंगी, आप परेशान ना हो। अरे मेरा मतलब है सोती रह जाओगी भाई। ओहो बस ये आखिरी किस्त देख लेने दे, कल से तो फिर मैंने कोई फिल्म कोई ड्रामा नहीं देखना, सिर्फ रमजान शरीफ के ना ट्रांसमिशन देखनी है। ओ फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो जल्दी जल्दी यार, और सो जाओ। मुस्तकीम बत्ती तो बंद करो, इस तरह तो मैं नहीं सो सकती। अब बेगम जरा से तवक्कु फरमाइएगा, ये खत कंप्लीट हो जाए तो फिर हम लाइट ऑफ कर देंगे। कौन सा खत, किसके लिए लिख रहे हो खत? शब्बो के लिए। कौन है ये चुड़ैल शब्बो? अरे चुड़ैल नहीं बेगम, हीरोइन है, हीरोइन। हाय कभी मुझे तो नहीं कहा इस तरह हीरोइन है। अगर कल रोजा ना होता ना तो मैंने खून कर देना था तुम्हारा। वैसे भी अब जान ले ली तो सहरियां और इफ्तारियां कौन बनाएगा, ये भी तो मसला हो जाएगा। वड्डी ईद पे हलाल करूंगी तुम्हें। अरे जोजी बेगम आप गलत समझ रही हैं, हम तो अपनी कहानी की हीरोइन की बात कर रहे हैं, शब्बो प्यारी शब्बो। अभी चुल्ले में साड़ूंगी तुम्हारी कहानी, सो जाओ अब, और सहरी जब तैयार हो जाए तब उठाना मुझे, उससे पहले नहीं। जो हुक्म जोजी बेगम, जो हुक्म। बत्ती बंद करो। जी बिल्कुल। नबील सो जाओ अब। जानो तुम सो जाओ, मैं जरा ना अपना जेसिका के साथ मोबाइल पे गेम खेल रहा हूँ। कौन जेसिका? जानो मेरी ऑनलाइन गेम फ्रेंड है। नबील अभी फोन बंद करो, कम से कम रमजान में तो इंसान बन जाओ यार। ओ जानो क्यों जल भुन रही हो, एक तो मेरी ये ऑनलाइन फ्रेंड है, और अगर इसने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर भी दिया तो मैं अमेरिका जाके शादी करने से साफ इनकार कर दूंगा। सच? हाँ भाई, मैं उसे कहूंगा कि यहाँ आकर मुझसे शादी करे, फिर हम दोनों मिलकर अमेरिका जाएंगे, भाई दूसरी शादी में तुम्हारी शिरकत भी तो जरूरी है ना जानू। शट अप नबील, फोन बंद करो वरना मैं इंटरनेट कटवा दूंगी। ये मत भूलना कि इंटरनेट भी मेरे पापा के पैसों से चलता है। रख रहा हूँ भाई, हिटलर की खाला। अब ये मत कहना कि लैंप भी बंद करो, उधर से जाके करना पड़ता है, मुझ में हिम्मत नहीं रही अब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पहली सहरी मुबारक हो, रमजान मुबारक हो। अबे कौन लोग हो आप, और इतनी रात को बेलें क्यों बजा रहे हो? बाबा हम तो ढोल बजाने वाले हैं,
जी जी, दो बैल के बाद हम ढोल बजाने वाले थे, आप गए तो बजा के बताएं। नहीं भाई नहीं, हम उठ गए हैं, अभी सहरी में बहुत वक्त है, इतनी जल्दी काहे को जगा दिया। अरे साहब, आप लोग की सहरी रह जाती तो बगैर सहरी के रोजा रखना पड़ता ना। अरे भाई, हमने कहा ना कि हम खुद ही जाग जाते, अगर नहीं भी जागते तो हमें ऊबर वाले किराएदार जगा देते। अच्छा, तो बाबा आपके किराएदार भी है? भाई चार लोग है, चार पूरे गिन के चार। अच्छा, तो आप लोग नीचे रहते हैं और वो ऊपर रहते हैं? अरे हाँ भाई, ये फरमाइए कि इस वक्त आप ऐसे फजूल सवाल कर क्यों रहे? और हम इसलिए पूछ रहे हैं, आप लोगों से ईदी लेने आएंगे ना, ऊपर वालों से अलग और आप लोगों से अलग। मैं पहला रोजा अभी हुआ नहीं कि तुम्हें ईदी की भी पड़ गई। चलो निकलो यहाँ से, चलो शाबाश दौड़ो। अरे जोजी बेगम, अरे भाई जोजी बेगम, सहरी का वक्त हुआ चाहता है, बाकी मकामी लोग अपने अपने वक्त के मुताबिक सहरी कर लें। हमारा ख्याल है हमें भी थोड़ी देर सस्ता लेना चाहिए। जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है सहरी के वक्त, मगर तुमने वो आखिरी किस्त में इतना टाइम जाया कर दिया। अब देखो ना, सहरी का टाइम निकल गया। तो कोई बात नहीं, हम घड़ी पीछे कर लेते हैं, टाइम वापस आ जाएगा। घड़ी पीछे करने से वक्त वापस नहीं आता माँ जी। महमूद साहब, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ यार, आप एक दिन वक्त पे नहीं उठ सकते थे। अरे तो तुम उठ जाते भाई, तुम्हारे हाथ में भी तो घड़ी बंधी हुई है। यार मेरे हाथ में घड़ी है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो इस उम्मीद में सोया था कि आप उठाएंगे। शीलम, बस तू ना मुझे जोर से सर पे डंडा मार। नहीं नहीं माँ जी, इट्स ओके, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। ना तबस्सुम, तू समझी नहीं है, मैं ना डंडा खा के सर पे तो सीधी बेहोश हो जाऊंगी और फिर बिल्कुल अफतारी के वक्त पे उठूंगी। वो डंडा क्यों खा रहा है माँ जी, महमूद साहब की जुराबे सूंघ ले। पुत्र मैंने बेहोश होना है, खुदकुशी नहीं करनी। और बस करो यार तुम लोग, मैंने तो रात का खाना भी ठीक तरह से नहीं खाया था कि पेट में जगह होनी चाहिए सहरी के लिए। ओ यार बस ही कर दे, आप तो भरे पेट से बंदा निकल जाते हैं। बस कर दे आप लोग लड़ना, पर ना सहरी की तरह नमाज का वक्त भी निकल जाएगा। आज अब तुम ठीक कह रही हो यार, मैं मुसा उठे यार, चल के नमाज तो पढ़ के आए। मैं तो नमाज पढ़ के ना दुआ करूंगी कि आज का रोजा जल्दी से गुजर जाए। हाय, मुझे तो सोच सोच की कमजोरी हो रही है। मैं जरा वजू कर रहा हूँ फिर चल। ओए बड़ा लंबा हो रहा होगा यार। चलो शाबाश, सब नमाज पढ़ो। अच्छा चलो मुझे बताओ अब क्या टाइम हुआ है? 10 बज रहे नबील, बताया तो है। अब देखो कितनी देर पहले मैंने पूछा था टाइम क्या हुआ, तब भी तुमने कहा था 10 बजे, और अब पूछा तब भी तुम कह रही हो 10 बजे। क्योंकि तुम हर एक से 2 मिनट के बाद टाइम पूछे जा रहे हो नबील। जानू एक बात बताओ यार, साइंस ने अभी तक कोई ऐसी चीज इजाद नहीं की कि चुटकियों में टाइम गुजर जाए। जानू नहीं तो मैं कर लेता हूँ ना इजाद। तुम एक काम करो, तुम बस सिर्फ पापा जी से फंडिंग ले लो 4-5 करोड़ की। Shut up, नबील। It's not okay, जानू, it's not okay. मामा मोहम्मद, जाके देखो कहीं मगरिब की अजान तो नहीं हो गई। ओए ऐसा ना हो कि रोजा खुल गया हो
और हमें इसका भी पता ना चला हो। अभी तो जी सिर्फ 10:05 हुए। अरे कहीं रात के 10:05 तो नहीं हो रहे मोमो? बाहर रोशनी है शफाक। लेकिन भी मेरी आंखों के आगे क्यों अंधेरा छा रहा है मोमो? माशाल्लाह, अगर आप रोजे की हालत में जाँ बहाक हो गए ना तो आपको सवाब बड़ा मिलना है। नहीं नहीं मोमो, मैं अफतारी करके ही मरूंगा। अच्छा तो फिर जल्दी से जाके ना वो ले आए। वो क्या? वही जिसमें पानी मिलाते हैं। क्या भाई? वो जिसमें प्याज, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना सब मिलाते फिर गरम गरम तेल में डाल देते हैं। ओ, बेसन? हाँ 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 बेसन। जाएं जल्दी से बेसन लेकर आए ताकि इफ्तारी पे गर्म गर्म पकौड़े बनाऊं। अरे कहीं मैं रास्ते में चकरा के गिरे ना जाऊं मोमो, कम से कम 8 रोजे में तो मुझसे काम ना करवाओ। अभी और इसी वक्त उठे श्वाक, नहीं तो मैंने आपकी टांगे तोड़ देनी है। हाँ आप चाहे गिर जाएं, पर बेसन को नहीं गिरने देना, मैंने मिर्ची वाले मकौड़े बना के खाने। मोमो तो तुम्हारी जुबान का जो चस्का है ना, जाता हूँ भाई। शाबाश। अरे जोजी बेगम, हमारी क्या गलती है भाई, हमारा रोजा तो खुद बगैर सहरी के। बस तुम्हारी सजा यही होगी कि पहला पूरा अशरा बगैर सहरी के रोजा रखोगे तुम। क्या? हाँ, और इफ्तार में मुझे कम से कम 3 तरह के पकौड़ियाँ और 6 तरह की चटनियाँ चाहिए। अरे बेगम, हमारा भी ऑर्डर कर दीजिएगा, क्रीम वाली फ्रूट चाट का। कुछ ऑर्डर नहीं करना, सब कुछ तुम बनाओगे। जोजी बेगम, रमजान का महीना है, रहम रहम कीजिए। पुस्तकी मेरा दिमाग ना खाओ, सीधे तरह जाओ और जाके सौदा लेके आओ। जो हुक्म जोजी बेगम, जो हुक्म। अरे महमूद साहब, क्या है? तशरीफ तो लाइए, आप कहाँ चल पड़े इस वक्त? अरे जाना क्या है भाई, एक तो बगैर सहरी के रोजा रखा है, ऊपर से मोमो की फरमाइशें नहीं खत्म हो रही कि जाओ जाके अफ्तारी के लिए सामान लेकर आओ। अरे भाई ये तो बहुत अच्छा हो गया, एक नेकी और कमाइएगा, आते हुए हमारा सौदा भी पकड़ लाइएगा। अरे कमाल करते हैं आप, अरे रोजे में पहले ही मेरे पास इतना ज्यादा सामान होगा, आपका सामान कैसे उठाऊंगा मैं, और मेरे पाँव में तो पहले ही दर्द हो रही है। बहरहाल इस मौके पे एक सजेशन है हमारी। क्या? कि आइए दोनों मिलके बाजार चलते हैं। हाँ। ताकि दोनों में से अगर कोई एक बेहोश हो जाए तो दूसरा कम अज कम उसे संभाल तो सके। हाँ ये सही कहा आपने, आइए 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 आइए। टाइम पे आ जाना, कुछ भूलना नहीं मुस्तकीम। आइए भाई। अरे भाई ये क्या है? ये कोई बिल विल होगा महमूद साहब। अरे ये तो कोई इनविटेशन कार्ड है, वो भी आज की इफ्तार पार्टी का। इफ्तार पार्टी का? अरे हाँ, ये यकीनन ये दावतनामा होगा इफ्तारी का, और ये हमारे एक दोस्त की तरफ से आया है। अच्छा तो फिर बताएं जरा आपके दोस्त का नाम क्या है? अरे भाई दोस्त का नाम तो खैर इस वक्त याद नहीं आ रहा, रोजा है ना, आखिर इफ्तार पे जाते ही उसका नाम याद आ जाए। अरे इस पर तो कोई नाम ही नहीं लिखा है, और ये आपका कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपको 5-star होटल में बुलाएगा? अरे अमीर दोस्त मेरे और नबील के ही हैं, जो हर साल हमें इफ्तार पार्टी पे बुलाते हैं 5-star होटल में। देखिए मोहतरम, अगर इसमें कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ तो फिर ये यकीनन हमारा ही है। वो कैसे? क्योंकि हमारे दरवाजे पे पड़ा हुआ है, इसलिए हमारा हुआ। अरे भाई पर ये दरवाजा तो हम भी इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई हम कह रहे हैं ना ये हमारा दावतनामा हमें दीजिए, वरना। वरना क्या? अरे ये तो मैं रोजे का ख्याल कर रहा हूँ, मैं बताता तुम्हें। ये गुंडा करती, हम अभी जाके जोजी बेगम को सब बताते हैं। जाओ जाके बताओ, जोड़ू का गुलाम तेरी मैं भी होता है, कोई तरीका होता है। अभी तो तुम लोग गए थे सौदा लेने, इतनी चेती आ गया। अरे जोजी बेगम अब सौदे की जरूरत नहीं रही, क्योंकि इनविटेशन आ गया हमें इफ्तारी का। अरे आपको नहीं आया, ये हमारा इनविटेशन है, हमें आया है। एक सेकंड, ये हमारा है। अरे अरे नबील, अरे मोमो खूबसूरत नीचे आओ। अरे ये चोरलू ने मुझसे कार्ड छीन लिया है, हमारा इनविटेशन है, इधर दो कार्ड हमें। महमूद साहब क्या हो गया आपको, किसका पाँव आ गया आप पे यार? एक तो खाली पे नींद नहीं आ रही और ऊपर से आपका रोना खत्म नहीं हो रहा यार। अरे नबील आज की इफ्तार पार्टी का इनविटेशन आया है, और वो भी किसी 5-star होटल का। शाबाश है, चल नजमा इफ्तार पार्टी की तैयारी करें। और क्या तैयारी, क्यों तैयारी, कैसी तैयारी?
ये दावतनामा हमारे घर के बुए पे आया है। हमारा ही घर है ना, तो दावत में भी हम ही जाएंगे। अरे लेकिन इसमें तो किसी का नाम ही नहीं लिखा। अगर किसी का नाम नहीं लिखा तो किसने भेजा है हमें ये इनविटेशन? भाई मेरा ख्याल है कि जरूर ये पड़ोस वाले फारूक साहब होंगे। जी नहीं, वो तो खैर से हमारी जोजी बेगम से भी ज्यादा कंजूस है। कभी हम पत्ती मांगने चले जाएं या चीनी मांगने चले जाएं तो आधा आधा चम्मच तोल के देते हैं। तो फिर हमारे घर के पीछे जो बड़ा सा घर है जहाँ अर्शद साहब रहते हैं वहाँ से आया हो? और नहीं है, नहीं, वो तो खुद रमजान में राने अपने गाँव गया है। तो बस फिर ये यकीनन राणा साहब ने भेजा है, उन्हें बड़ा ख्याल रहता है। पिछले महीने भी 10,000 मुझे लोन दिया है उन्होंने। मैं भी फोन करता हूँ, एक सेकेंड। हेलो राणा भाई, कैसे हैं आप? अरे नबील भाई, कैसे हैं आप? रोजा कैसा जा रहा है आपका? जबरदस्त राणा भाई, जबरदस्त। लग रहा है आज फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अरे मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा आपका, आप जरूर तशरीफ लाइए। ओके राणा भाई, फिर मुलाकात हो रही है आपसे इंशाल्लाह। ओके बाय। लॉर्ड जी, ये तय हो गया कि ये इनविटेशन हमारा। चलो भाई चलो, अफ्तार पार्टी की तैयारी करते हैं। वो जो हमें अफ्तार पार्टी पे जाने की करनी है वो तैयारी है। हाँ जी, आए बड़ा मजा आएगा अफ्तार पार्टी में। मेरा ना अच्छा सा मेकअप कर दे सुमेला। खूबसूरत? हाँ हाँ, बड़ी खूबसूरत लगूंगी मैं। हाँ हाँ, चलो 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 चलो। वैसे ये राणा साहब ने बिल्कुल चंगा नहीं किया हमारे साथ। इतने सालों से इस मोहल्ले में कौन रह रहा है? हम। उनको तो जुम्मा जुम्मा 4 दिन नहीं हुए अभी आए हुए, हमें छोड़ के ही ना भीखमंगों को बुला लिया उन्होंने। अरे बेगम, हमें तो पक्का यकीन है कि वो दावतनामा हमारे लिए भी था। अच्छा, तो फिर एक काम कर, मुस्तकीम राणे साहब ने ना फोन लगा। जी बेगम, अभी करते हैं, अभी करते हैं, जो हुक्म आपका। हेलो जी राणा साहब, मुस्तकीम अर्ज कर रहा हूँ। जी अर्ज किया है। मुस्तकीम साहब, देखिए रोजे खाल में बिल्कुल भी आपकी शायरी मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। अरे राणा साहब, आपको इसलिए जहमत दी थी कि नबील और महमूद से तो आपकी आज मुलाकात हो जाएगी, अगर आप हुक्म करें तो हम भी हाजिर हो जाएं सर के बाल। जी जी क्यों नहीं, आप भी तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया राणा साहब, बहुत शुक्रिया। हम भी जोजी बेगम से यही कह रहे थे कि भाई जो कुछ भी है वो हमारे आपस के बीच है। अब देखिए कि नबील और महमूद को आए हुए दिन ही कितने हुए यहाँ। चलिए फिर आपसे मुलाकात होती है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे बेगम, आप जल्दी से तैयारी कीजिए चलने की, मैं पहली बार किसी 5-स्टार होटल में जा रहे हैं, आपसे तो खुशियां संभल नहीं रही है। मुस्तकीम, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, तुम भी थोड़े थोड़े सोने लग रहे हो। 5-स्टार होटल में अफ्तारी करेंगे, कितना मजा आएगा। नबील और महमूद साहब तो उधार वापस करने आ रहे हैं, तो ये मुस्तकीम साहब क्यों आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पैसे वापस कर रहे होंगे और ये पैसे मांगने के लिए आ रहे हो? ये हो सकता है। फरजाना, फरजाना, इस पे ना इस्तरी तो लगा दे पुत्र। माँ जी, आप ये कैसे पहन सकती हैं? बताती हूँ, रुक। मेरा मतलब है, आप ये पहन क्यों रही हैं? क्यों, मेरा शादी का शरारा है, बिल्कुल दुल्हन दुल्हन लगूंगी इसमें मैं। माँ जी, हम इफ्तार पर जा रहे हैं, आपने जो कपड़े पहने हैं ना बिल्कुल ठीक है। वो 5-स्टार होटल है बच्चू, वहाँ बहुत टिप टॉप होके जाना चाहिए। अच्छा फरखंदा, ये बता खाने कितनी किस्म के होंगे वहाँ? बहुत किस्म के होंगे माँ जी, फिश, मटन, बीफ, सब्जी, बिरयानी, बहुत खाने होंगे। हाँ ये सब तो मेरे उड़ने वाले चील नहीं खा जाना। चील नहीं, सांप माँ जी। अपने सुसर को सांप कह रही है, शर्मी आती तुझे? सॉरी माँ जी। अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपका मेकअप फ्रेश कर देती हूँ, कपड़े आपके बिल्कुल ठीक है। ये ठीक है, लेकिन रोजे के हिसाब से थोड़ा लाइट ही रखी। जी ठीक है माँ जी। और वहाँ ना 5-स्टार में मुंह खोल के माँ जी ना कहने लगना, वैसे भी 2.5 किलो के मेकअप के बाद तेरे से छोटी लगना है मैंने। अच्छा चलिए, रखे यहाँ पे, चलो आए। कैसी लग रही हूँ मैं मुस्तकीम? भाई जैसी हमेशा लगती हैं बेगम। खूबसूरत ना? जी नहीं, खौफनाक। मुस्तकीम, अरे बेगम हम तो आपसे छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसे अटकेलियाँ कहते हैं ना, हमने तो आपके हुस्न पे एक गजल लिख रखी है 10 सफ़ों की, कहें तो पेशे खिदमत करें। खबरदार जो अपनी शायरी का पटारा मेरे सामने खोला हो तो, पहले देर हो गई है हम लोगों को, 1 घंटे का तो रास्ता है, हम क्यों ना जाएं? और मैंने सुना है कि वहाँ पे 1 बंदे के खाने के 10,000 लेते हैं। वैसे भाई बहुत बड़े दिल के मालिक हैं ये राणा साहब,
बीसियों तरह के खाने होंगे और मीठे अलग। होय 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 मुस्तकीम, अब ना हमने उस राणे से ना अपनी दोस्ती पक्की कर लेनी है। मैंने सुना है हर साल वो इस तरह की आलीशान अफ्तार पार्टियां करते हैं, इस तरह हर साल हमें बुलाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बेगम, बल्कि हम कल ही ऐसा करेंगे, उनके यहाँ हम इफ्तारी भिजवा देंगे। कोई जरूरत नहीं है। अच्छा एक काम करना, चार पांच पकौड़े ते इन्नी को चाट भेज देना, अब इतना भी छोटा दिल नहीं है मेरा, सखावत तो कूट कूट के भरी हुई है। जी बजाय इरशाद, हमें पता है बेगम आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अच्छा बस चलो, देर हो रही है, पहले चलो चलो छेती चलो छेती, प्लीज आइए। यार नबील, ये औरतें इतना टाइम क्यों लगाती हैं तैयार होने में, यार बुलाओ इन्हें। ओ यार जानू आ जाओ यार, मुझसे खाली पेट अब ज्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है यार। चलो ये आप लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या मतलब कहाँ जा रहे हैं, अफ्तार पार्टी पे और कहाँ? वैसे चिपकूपन की इंतहा है यार, मतलब बगैर इनविटेशन के जा रहे हैं आप लोग, आप लोगों को वहाँ जाके शर्म नहीं आएगी? अरे भाई नबील मियाँ, बिन बुलाए नहीं जा रहे, राणा साहब ने खुद फोन करके हमें दावत दी है। जी और वो ये भी कह रहे थे कि आप लोगों का तो अपना कार है और आप नहीं आएंगे तो अफ्तार पार्टी शुरू भी नहीं होनी। अरे भाई उस घराने से हमारे बड़े गहरे मरासिम है, बल्कि अगले हफ्ते तो उन्होंने मधु कर लिया हमें इफ्तार पार्टी पर अपने घर पे। ना हमें क्यों नहीं बुलाया, मैंने राणा के बच्चे को छोड़ना नहीं है उधर जाके। माँ जी प्लीज वहाँ जाके कोई बदतमीजी ना कीजिएगा। अरे भाई हो सकता है मोमो वो अगली इनविटेशन हमें अफ्तार करते हुए दे दे। हाँ यार निकले चलो, देर हो रही है भाई। भाई हमारा मशवरा तो ये है कि सब साथ में चले तो किराया भी आधा आधा हो जाएगा। भाई ये गाड़ी में हम सब कैसे जाएंगे? ओ यार मुस्तकीम साहब और महमूद साहब को टैक्सी के ऊपर बांध देंगे ना यार। नहीं 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 भाई, मैं टैक्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा, मेरा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा सारा। ओहो मेरा ख्याल है कि दो रश्के कर लेते हैं, पैसे भी कट लगेंगे, नाले छेती भी पहुंच जाएंगे। आँ 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 करके हम रिक्शे में फाइव स्टार होटल जाएंगे, अभी मेरे पापा होते ना कोई अच्छी सी गाड़ी का बंदोबस्त कर देते। ओ जानू टेंशन क्यों ले रही हो यार, रिक्शे को जो है ना वो होटल से थोड़ी दूर रुकवा लेंगे यार। मैं तो महमूसा पे बैठ के चला जाऊंगा। यार देर हो रही है, आइए भाई आइए आइए। रिक्शे में बैठ बैठ के मेरी तो हड्डियां हिल गई हैं सारी। यार मुझे तो ये समझ नहीं आई कि इतना घटिया मजाक किया किसने हमारे साथ। अरे भाई फाइव स्टार होटल वालों ने तो घुसने ही नहीं दिया वहाँ, बल्कि राणा साहब तो बहुत बेदीद हो गए, कहने लगे भी हमने तो आपका इनवाइट नहीं किया इसमें इफ्तारी में, बल्कि वो तो नबील और महमूद साहब आपका इंतजार कर रहे थे कि आप आए और उनका कर्ज उनको वापस लौटा दें। यार आप में से कोई अल्लाह का बंदा पैसे ही ले जाता, हम लोग किसी सस्ते होटल में इफ्तार कर लेते। लदास दावत पे कौन पैसे लेके जाता है? अरे सब छोड़ो मोमो, मुझे खाने को कुछ दो, भूख लग रही है। खबरदार जो मुझसे खाने को कुछ मांगा हो, उस गार्ड से मैंने कितनी मिन्नतें की थी कि मुझे अंदर जाने दे प्लीज, पर उसने नहीं जाने दिया मुझे। अब मैं आराम करने अपने कमरे में जा रही हूँ और खाना आप लेकर आएंगे। मैं भी आराम करने जा रही हूँ नबी, खाना आ जाए तो बता देना। हाँ मुझे भी बता देना खाना। मुस्तकीम जी हम समझ गए हैं, हम खाना तैयार करके आपको जगा देंगे, आप भी आराम करने जा रहे हैं। यार मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा महमूद साहब कि इनविटेशन भेजा किसने था यार। अरे नबी ये क्या है? भाई बजाहिर तो ये एक टुकड़ा है कागज का, देखते हैं क्या है। भाई लिखा है पहला रोजा मुबारक हो साहब, हम वही हैं जो सुबह सहरी में जगाने आए थे, बहुत माजरत के साथ वो इनविटेशन हम ही ने भेजा था, हमारी पिछली दो ईदें अच्छी नहीं गुजरी थीं, इसीलिए हमने सारी छानबीन करने के बाद ये पूरा प्लान तैयार किया था, तो बताना ये था कि आपके घर की सारी नकदी और सोना हम ले जा रहे हैं। लाभ कौन दे आमीन। मुस्तकीम मेरा सारा जेवर गायब है, नबील मेरा कैश गायब है सारा। यार तेरा क्या गायब है? मेरी सोने की चूड़ियां गायब है। हमें पता चल चुका है। तुम्हें कैसे पता चला नबील? क्योंकि जो लेकर गए हैं वो ये खत भी तो छोड़ के गए हैं। Excuse me, इसका मतलब है हम एक बार फिर लूट गए। हाँ जी। चल यार चल, इस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल।
चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पास।